हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोली टेली रिपोर्टर। तो दोस्तों, वर्ल्ड बालाजी ने क्या शहनाज गिल और शहनाज जियान से माफ़ी मांग ली है? आइए हम आपको बताते हैं पूरे डिटेल में क्या हुआ था, पूरे बातें। कल वर्ल्ड बालाजी ने एक ट्वीट को लाइक कर दिया था और वो ट्वीट बहुत ही ज़्यादा गंदा था और ऐसे ट्वीट को किसी भी हालत में लाइक नहीं करना चाहिए था, किसी भी बड़े हैंडल को तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए था वर्ल्ड बालाजी को, लेकिन उन लोगों ने लाइक कर दिया था। फिर क्या हुआ, फिर शहनाज गिल के जो फैंस हैं, यानी शहनाज फैंस हो या फिर शहनाज फैंस हो, उन लोगों ने उसके बाद वर्ल्ड बालाजी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और पूरे ट्विटर को हिला दिया। ट्विटर में इसके खिलाफ बहुत ट्रेंड होने लगा, वर्ल्ड बालाजी के ऐप्स डाउनलोड करके उसको रेटिंग नीचे कर दिया, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें होने लगा। फिर आज वर्ल्ड बालाजी का जो पीआर टीम है, उन्होंने एक माफ़ीनामा दिया है, उन्होंने इस पूरे घटना के लिए माफ़ी मांगा है। और उन लोगों का कहना है कि जो पीआर टीम का जो बंदा था, वो गलती से उस ट्वीट को लाइक कर दिया था, क्योंकि लोग रैंडमली कुछ ना कुछ लाइक रिट्वीट करते रहते, तो इसी कारण से वो ट्वीट को गलती से लाइक हो गया था, बाद में उसको अनलाइक भी कर दिया है। इसके लिए मेरे हिसाब से इसके लिए आप लोग वर्ल्ड बालाजी को गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्ल्ड बालाजी खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं हैंडल करते, या फिर एकता कपूर खुद सोशल मीडिया हैंडल को नहीं चलाते। इसके लिए उन्होंने एक पीआर टीम रखा है और उस पीआर टीम की पूरी गलती है और उस पीआर टीम ने गलती मान भी ली। तो इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि आप लोग अभी जो कुछ भी है उसे भूल जाइए, वर्ल्ड बालाजी की इसमें कोई गलती नहीं है। आप लोग वर्ल्ड बालाजी के इस कारण से आप लोग अगर लोग सिद्धार्थ का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें सिद्धार्थ शुक्ला का कोई गलती नहीं है। क्योंकि आप लोग इसके कारण अगर ब्रोकन बर्ड ब्यूटीफुल सीजन 3 के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ तो ये सही नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, आप लोग सब कुछ भूल जाइए और जो जो लोग सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करते हैं और सिद्धार्थ के जो वेब सीरीज को सपोर्ट करते हैं, वो लोग जरूर सपोर्ट करिए। अभी अभी एक सॉन्ग रिलीज हुआ है मेरे लिए, आप लोग देखिए और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा हिट बनाइए।